वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालो से सावधान। हेलो जय हिंद बच्चों, मैं मनोज बालियान, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज डोंट डिफेंस एकेडमी, दोबारा आप लोगों के सामने बेटा करंट अफेयर की सीरीज लेके दिवाली की बहुत लंबी छुट्टी मनाने के बाद अपने एग्जाम पे फोकस करते हुए 16th ऑफ अप्रैल के लिए, एनडीए के लिए या फिर सीडीएससी के लिए, कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स आता है, दोबारा आप लोगों के लिए डोंट डिफेंस एकेडमी हमेशा तत्पर है। क्लियर? तो मैं मनोज बालियान, आज हम लोग जो है बेटा दोबारा से अपना जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, वही हम कंटिन्यू करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं जो हमारी जो टीम है जीएस फैकल्टीज़ की, उनके सुपरविजन में तैयार किए गए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को इनसे होने वाला आने वाले एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है बेटा, आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे, विच इंडियन सिटी हैज वॉन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ये कह रहा है बेटा किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है 2022 जो है दिया गया है या जीता गया। सबसे पहली बात तो ये बेटा, जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड है ये 6 कैटेगरीज में मिलता है। कितनी कैटेगरीज में मिलता है? 6 कैटेगरीज में मिलता है। तो 6 अलग अलग शहरों को जो है वर्ल्ड में ये दिया गया है, जिसमें से एक इंडिया का भी है नाम। किसका बेटा? इंडिया का। इंडिया में जो आपका हैदराबाद है बेटा, तेलंगाना में। हैदराबाद कहाँ पे है बेटा? तेलंगाना में है। तेलंगाना को जो है, तेलंगाना में जो बेटा हैदराबाद है उसको जो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया बेटा? हैदराबाद में क्या है बेटा, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का ग्रेटर यूज, बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के लिए सिटी का जो एनवायरमेंट है उसको अच्छा रखने के लिए, ताकि जो आपका पॉल्यूशन है वो कंट्रोल रहे, ब्रीथिंग में लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो एनवायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए जो प्लांट्स के द्वारा जो एक एफर्ट किया गया है प्लांटेशन के लिए, उसके लिए जो है आपका हैदराबाद को जो है आपका वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है दिया गया है बेटा। क्लियर? तो इसका जो आंसर जाएगा वो ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एमबीबीएस कोर्स बुक्स इन विच लैंग्वेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वेरी फर्स्ट टाइम भारत सरकार ने पहली बार किस भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की है बेटा? सबसे पहली बात तो एमबीबीएस या जितने भी बड़े कोर्सेज हैं हमारे यहाँ इंडिया में, एक्चुअली मैक्सिमम जो बुक्स है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। किसमें होती है? इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये बड़ी एक अजीब बात है कि इंडिया में जो है हम आपका जो अपनी मातृभाषा कहते हैं वो हिंदी को कहते हैं, जबकि संविधान में हिंदी कोई मातृभाषा नहीं है, उसके पास कोई हिंदी भाषा के पास कोई मातृभाषा का स्टेटस या टैग नहीं है रिटर्न फॉर्म में। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है मैक्सिमम जो पिछले, अगर मैं बात करूँ 200 ईयर्स से बेटा, पिछले 200 वर्षों से जो मेडिकल की आपकी पढ़ाई हो रही थी वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही थी बेटा। किसमें बेटा? इंग्लिश लैंग्वेज की किताबों में हो रही थी। तो पहली बार अभी जो है हम लोग जो है हिंदी भाषा में, कौन सी भाषा में बेटा? हिंदी भाषा में जो है आपका उसकी किताबें जो है लॉन्च कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया में बेटा जो मध्य प्रदेश है, इंडिया में बेटा जो मध्य प्रदेश है, जहाँ के जो आपका मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जिनको आपका प्रचलित नेम, जिनका मामा भी है। क्या है? मामा भी है। मध्य प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट है बेटा जिसने आपका हिंदी भाषा में जो है आपका हिंदी भाषा में एमबीबीएस की जो है एमबीबीएस का जो कोर्स है वो लॉन्च किया है, किताबें पब्लिश की है। क्लियर? तो ये भी हाल फिलहाल में किया गया है, तो अब एमबीबीएस का जो कोर्स की किताबें होगी वो आपका हिंदी भाषा में भी होगी मेडिकल लाइन के लिए, मेडिकल कोर्सेज के लिए। एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अगर हम देखें जैसे चाइना को देखें या और भी कई सारी कंट्रीज ऐसी है जो अपनी जो लैंग्वेज है उसी में करते, तो ये होना भी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, इसके बाद है हु हैज वॉन द बुकर प्राइज 2022। बुकर प्राइज बेटा, बेटा ये जो बुकर प्राइज है लंदन में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है बेटा? और लंदन आपका यूके में है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में है। ठीक है बेटा, ये जो बुकर प्राइज है बेटा अभी जो 2022 के जो इस साल दिया गया है, ये बेटा जो दिया गया है ये स्नेहन करुणा तिलक को दिया गया है। और ये जो बेटा स्नेहन करुणा तिलक है ये बेटा श्रीलंका के है। कौन से देश के है बेटा? श्रीलंका के। श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री है। क्लियर? साउथ में, हमारे इंडिया में साउथ में पड़ता है। क्लियर? तो श्रीलंका के राइटर है स्नेहन करुणा तिलक, इन्होंने एक बुक लिखी है बेटा
द सेवन मून्स ऑफ माली, एम डबल एल आएगा बेटा, माली अल्मेडा, मानी अल्मेडा। ये एक बुक है बेटा, इनकी किताब है, श्रीलंका के जो राइटर है स्नेहन करुणा तिलक जो है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ये जो बुक उन्होंने लिखी है, इन्होंने जो आपका वॉर टाइम का जो कोई सिचुएशन रही होगी उसकी श्रीलंका की, तो उसमें जो आपका फोटोग्राफी की है उसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी है, क्लियर। तो उसके लिए जो है इनको जो है स्नेहन करुणान तिलक को जो है ये बुकर प्राइज 2022 से नवाजा गया है। और ये श्रीलंका के ऐसे दूसरे राइटर बने हैं जिनको ये बेटा आपका जो बुकर प्राइज जो है दिया गया। इसका मतलब इससे पहले भी श्रीलंका में किसी एक और राइटर को बुकर प्राइज दिया जा चुका है, क्योंकि मैंने बताया कि ये दूसरा व्यक्ति है श्रीलंका के, दूसरे राइटर है लेखक है जिनको बुकर प्राइज दिया गया है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, जो क्या होता है बेटा हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो आता है आपका आर्टिकल 124 में आता है हमारा, क्लियर, संविधान में बात समझाइए। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा दिल्ली में होता है सभी को पता होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बेटा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी अंडर आर्टिकल जो 24 है, जो आर्टिकल 124 है उसी के क्लोज में, आई थिंक 6th या 7th क्लोज आता है उसका, उसी में उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, सबसे पहली तो बात ये बता दूं बेटा आपको, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो हमारे कौन होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज थे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आए थे, वो हीरालाल जे कानिया थे बेटा। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अभी जो फर्स्ट, सॉरी वो तो फर्स्ट थे, अभी रिसेंटली जो हमारे जज थे आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उदय ललित, क्लियर। और ये बेटा इंडिया के 49वें नंबर के जो है जज थे। अभी जो है हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने बेटा, जो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है हाल फिलहाल में बेटा सुप्रीम कोर्ट के जो है नेक्स्ट और न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं। और ये बेटा इंडिया के 50वें नंबर के, कौन से नंबर के बेटा, 50वें नंबर के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं। और आप अभी जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है उसको लेके जो उदय ललित कुमार थे वो भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे, उन्होंने एक दिन में कई हज़ार केसों का, आई थिंक मुझे भी डाटा एग्जैक्टली याद नहीं है, निपटारा किया था जो पेंडिंग केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर। इसके बाद बेटा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द बीसीसीआई प्रेसिडेंट। बेटा बीसीसीआई आप सब लोगों को पता होगा, क्रिकेट के कीड़े इंडिया में बहुत रहते हैं, क्रिकेट गेम होता है, क्या होता है क्रिकेट के बहुत कीड़े हैं हमारे हिंदुस्तान में, बात समझ आई, क्रिकेट। तो जो इंडिया का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्रिकेट से रिलेटेड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये जो बीसीसीआई है इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा, इसका जो क्या बेटा हेडक्वार्टर है वो आपका जो वानखेड़े स्टेडियम है, स्टेडियम है बेटा ये आपका मुंबई में है। ये कहां पे है बेटा? मुंबई में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, जो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, वहां पर जो है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? बीसीसीआई का। ऐसे ही आईसीसी है, उसका आपका दुबई में है। तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे अभी हाल फिलहाल में, वो सौरभ गांगुली थी, आप लोगों को सबको पता ही होगा कौन थे, सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली अभी नई इलेक्शन नहीं लड़ा इस बार आपका, तो अगले जो आए हैं हमारे वो आपका रोजर बिन्नी आए हैं, जो 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, ये उस टीम का पार्ट थे रोजर बिन्नी। तो ये एक क्रिकेटर है, तो रोजर बिन्नी अपॉइंट किए गए हैं। तो इसके अलावा जो जय शाह हैं हमारे, जो होम मिनिस्टर अमित शाह मोटा भाई, उनके बेटे, वो उसमें सेक्रेटरी है, सचिव है अभी भी बीसीसीआई में, क्लियर। तो रोजर बिन्नी को बेटा अपॉइंट किया गया है, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हु हैज वॉन द इंडियाज फर्स्ट ग्रीको रोमन मेडल अंडर 23 रेसलिंग। रेसलिंग होता बेटा कुश्ती, क्या होता बेटा कुश्ती, पहलवानी जिसको बोल देते सीधा सिंपल भाषा में, पहलवानी जिसको मैं बोल दूं। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जीतने वाला किसने जीता है बेटा? ये जो जीता है सबसे पहली बात तो बाकू में जीता है। कहां पे जीता है? बाकू, BAKU। और बाकू कहां है बेटा? अजर
बाईजान, अजर बाईजान में बेटा, जो अजर बाईजान देश है उसमें बाकू में हुआ है ये अभी हाल फिलहाल में। तो इसमें जो पहला ब्रॉन्ज मेडल बेटा, कौन सा मेडल बेटा, ब्रॉन्ज, कौन सा मेडल बेटा, बी आर ओ एन जेड ई, ब्रॉन्ज मेडल, जिसको हम बोलते हैं कांस्य पदक। क्या बोलते बेटा, कांस्य पदक जो है जीतने वाले जो हमारे पहले पहलवान बने हैं वो बने हैं साजन भानवाला। कौन बने बेटा, साजन भानवाला। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है अभी हाल फिलहाल में कहां पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। बेटा जो हमारे मिनिस्टर है सेंटर में, हरदीप सिंह पुरी, कौन है बेटा, हरदीप सिंह पुरी मंत्री है सेंटर में, उन्होंने जो है अभी हाल फिलहाल में संगरूर में, कहां पे बेटा, संगरूर में, और संगरूर की अगर मैं बात करूं तो बेटा पंजाब में, कहां पे बेटा, पंजाब में, यानी कि पंजाब अगर हो गया तो बी फॉर बॉल आंसर जाएगा। तो संगरूर पंजाब में जो है बेटा एशिया के सबसे बड़े जो है कंप्रेस बायोगैस प्लांट का जो है अभी हाल फिलहाल में जो है उद्घाटन किया है, और इसमें जो बायोगैस बनेगी बेटा, जो बायो वेस्ट है जैसे पराली टाइप वगैरह होता है, क्लियर, तो उससे जो है बनेगी इसमें 300 मीट्रिक टन, कितना बेटा आपका 300 टन जो है बायोगैस बना करेगी, क्लियर। तो ये आपका पंजाब में है संगरूर में, अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान 3 बेटा, चंद्रमा की स्टडी करने के लिए एक आपका मिशन इंद्रो प्लान इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रहा है इसरो, तो उसको कब लॉन्च करेगा। सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसरो ने आपका सबसे पहला जो मून पे जो आपका मिशन भेजा था वो बेटा 2008 में भेजा था, और लास्ट जो भेजा था वो 2019 में, और अभी अगला जो भेज रहा है वो 2023 में। कब भेज रहे बेटा, 2023 में, और इसकी जो प्लान है इसरो की भेजने की बेटा जून 2023 तक की है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वाले पे चलते बेटा, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जो है आपका किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। बेटा सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, जो खेलो इंडिया गेम है बेटा, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये जो आपका इंडिया में स्टार्ट हुए थे बेटा, शुरू हुए थे, ये आपका 2008 में शुरू हुए थे। कब हुए थे बेटा, नहीं शायद मैंने 2008 अच्छा ठीक है बेटा, और अभी जो आपका फिफ्थ खेलो इंडिया गेम हो रहे हैं, जो क्या हो रहे बेटा, जो फिफ्थ आपका खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहे हैं वो आपका होंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग सिटीज में होंगे, वो क्या होंगे आपका जो मध्य प्रदेश है एमपी के जो है बेटा अलग अलग सिटीज में होंगे, और इससे पहले जो 2021 में हुए थे, ये शायद ये ईयर का डाटा गलत है भाई, 2008 वाला, इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार स्टार्ट होने वाला। अब ये जो ये तो बेटा कब की बात कर रहे हैं हम, 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 की, लेकिन 2021 का जो बेटा खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, जो 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था बेटा, वो हरियाणा में हुआ था। वो कहां पे हुआ था, हरियाणा में हुआ था, अलग अलग शहरों में। तो 22 वाला कहां पे होगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एज पर द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड इन 2020 लिव्ड इन विच कंट्री। बेटा बड़े शर्म की बात है हमारे लिए ये, मैं मतलब कहना चाहूंगा, जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आय की रिपोर्ट आई है अभी 2022 में बेटा, 2022 में, जिसमें 2020 की रिपोर्ट आई है उस समय की जो स्थिति थी, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो विश्व के जो बेटा गरीब रहते हैं, सबसे ज्यादा विश्व के जो गरीब लोग रहते हैं, और उससे भी पहले मैं ये कहूंगा कि मोदी जी डेवलपमेंट हो रहा है, कहां है वो डेवलपमेंट थोड़ा सा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्व के सबसे ज्यादा गरीब जो बताए हैं वो इंडिया में बताए हैं, किसने बताया बेटा, इंडिया में बताए हैं, और वो बताया बेटा 22.8 करोड़ इंडिया के बाद जो सेकंड रैंक आपका किसी कंट्री को दिया है वो बेटा नाइजर को दिया है, वो किसको दिया है, नाइजर को दिया है 9.6
करोड़ डेटा के साथ, ठीक है बेटा। एक्चुअली ये जो ग्लोबल आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार किया जाता है, इट इज बेस्ड ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एंड क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, थ्री क्राइटेरिया के बेस पे जो है इसमें आपका ये डाटा तैयार किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें हैं, किसको लास्ट रैंक किसका है बेटा, सबसे ज्यादा किस कंट्री में है गरीब, वो है बेटा अपने भारत में, अपने भारत महान में, ठीक है। व्हेन इज द पोलिस कमेमोरेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, बेटा अगर मैं इस दिन की मैं बात करूं, अगर मैं पुलिस कमेमोरेशन डे की बात करूं बेटा, तो इंडिया में जो मनाया जाता है वो होता है बेटा 21 अक्टूबर को, बट वाई वी सेलिब्रेट दिस डे, जो हमारी पुलिस फोर्सेज होती हैं बेटा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जो हमारी पुलिस फोर्स है, जो हमारी क्या बेटा पुलिस फोर्स है या पुलिस बल है, जो क्या बेटा पुलिस बल है, तो पुलिस बल में जो लोग अपनी सर्विस करते हैं बेटा इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, आपका शहीद होते हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, तो उनको कॉमेमोरेट करने के लिए उसकी याद में जो है बेटा इंडिया में आपका ये जो है 21 अक्टूबर को बेटा पुलिस स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है। तो आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट बेटा, When is the World Statistics Day observed? बेटा जो वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो वो ऑब्जर्व किया जाता है बेटा 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है बेटा 20 अक्टूबर को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो आपका वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे था उसका जो थीम था डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, उसका जो थीम था, थीम को बेटा हम सब्जेक्ट कह सकते हैं या हम विषय कह सकते हैं हिंदी में, क्या कह सकते हैं विषय, वो था डाटा फॉर डेवलपमेंट। क्या था बेटा डाटा फॉर डेवलपमेंट, ये इसका थीम था, ये भी आप लोग याद रखना, जिसमें जो है जो सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड जो सोसाइटी है उसमें जो क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, तो उसका जो डाटा जो कलेक्शन होता है, बात समझ आई, तो उसको लेके जो है ये आपका 20 अक्टूबर को जो है किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब डाटा सीधा सीधा। नेक्स्ट बेटा, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च मिशन लाइफ इन विच स्टेट। बेटा सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, जो COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, और बल्कि ये 26 थी बेटा, जो 26 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी बेटा ग्लासगो में। और अगर मैं ग्लासगो की बात करूं बेटा, तो ग्लासगो है वो बेटा स्कॉटलैंड में है, और स्कॉटलैंड जो है बेटा वो यूरोप का एक देश है। किसका देश है? यूरोप की एक कंट्री है स्कॉटलैंड, ग्लासगो। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। वहां पे बेटा मीटिंग हुई थी, जो आपका एक इंटरनेशनल बॉडी है वर्ल्ड में, आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कंसर्न को लेके जो काम कर रही है, बात समझ आई, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, बात समझ आई, ठीक है बेटा। तो इसकी जो बैठक हुई थी बेटा ग्लासगो में 26 आपका ग्लासगो में, वहां पर भी जब मोदी जी ने इसको अटेंड किया था, तो वहां पर भी मिशन लाइफ के बारे में मोदी ने जो है जिक्र किया था, बात समझ आई क्लियर। एक्चुअली मिशन लाइफ है क्या? मिशन लाइफ है इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, एकल रूप से यानी कि व्यक्तिगत रूप से, और सामूहिक रूप से दूसरे लोगों के साथ मिलकर हम लोग क्या करें, आपका जो हमारा एनवायरमेंट है उसके प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, उसके बचाव और संरक्षण के लिए कार्य करें। तो ये मिशन लाइफ जो लॉन्च किया है मोदी जी ने बेटा, अभी हाल फिलहाल में अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों के सामने, ये जो लॉन्च किया है आपका जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो क्या बेटा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और तो ये कहां पे बेटा, ये तो बेटा गुजरात में है, कहां पे है, गुजरात में है, तो बेटा ये गुजरात से जो है लॉन्च किया है। और अभी हाल फिलहाल में आपको ये भी पता होगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेच्यू है, तो 31 अक्टूबर को जो है बेटा, 31 अक्टूबर को अभी हाल फिलहाल में जो गया है, टुडे इज आई थिंक सेकेंड नवंबर, तो 31 अक्टूबर को जो है यूनिटी दिवस मनाया जाता है, बस समझ आई, एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में।
क्योंकि जब इंडिया फ्री हुआ था, इंडिया में जो बेटा प्रेसलेस स्टेट थे उनको यूनाइट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वेरी इजीली आपका इंडिया में मर्ज कर लिया था। बात समझ आई? क्योंकि जो प्रेसलेस स्टेट थे उनको फ्रीडम मिली थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसलेस स्टेट थे वो चाहे तो आपका पाकिस्तान में मर्ज हो सकते थे, जा सकते थे, या इंडिया में मर्ज हो सकते थे, इंडिपेंडेंट रहकर अपने तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी शासन व्यवस्था चला सकते थे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इंडिया बन जाते। बात समझ आई? तो यहां पर जो है आपका ये गुजरात में हुआ है, तो उन्होंने जो टास्क किया था उसी की वजह से 31 अक्टूबर को जो है आपका यूनिटी दिवस, एकता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अच्छा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ द ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बेटा ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो UNO है बेटा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये फॉर्म किया है। और जो UNO ने ISA बनाया है, प्लस जो आपका बेटा इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया 21 जून को, बात समझ आई? ये दोनों चीजें मोदी जी के रिकमेंडेशन पे की है, मोदी ने खुद आपका UNO को रिकमेंड किया था, उसके बाद ये दोनों चीजें की गई, एक नई बॉडी बनाई गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और अगर मैं ISA के फॉर्मेशन की बात करूं बेटा, अगर मैं ISA के फॉर्मेशन की बात करूं तो बेटा पेरिस में हुई थी, और पेरिस कहां पे आप सबको ये बहुत अच्छे से पता होगा बेटा, फ्रांस में है। लेकिन लेकिन जो ISA है बेटा, ISA का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो बेटा गुरुग्राम, वो कहां पे है? गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम कहां पे बेटा? हरियाणा में है। कहां पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। तो आई होप सबको समझ आया होगा। तो जैसे आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आप सब लोग देख रहे होंगे बेटा, बहुत तेजी से आपका जो पॉल्यूशन हो रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग जो है भौतिक सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, सबको कार चाहिए, सबको बाइक चाहिए, ये सब बात समझ आई? इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपका यहाँ पे मोदी जी ने जो है ISA बनाने का जो है रिकमेंडेशन किया था, और मोदी जी ने ये स्लोगन भी दिया था, एक नारा भी दिया था, वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ग्रिड मतलब जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो सन जिसमें अपार संभावनाएं हैं एनर्जी प्रोडक्शन की, और जिसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। तो इसका जो अभी हाल फिलहाल में जो आपका प्रेसिडेंट और आपका को प्रेसिडेंट चुना गया है बेटा, वो इंडिया, इंडिया और फ्रांस को चुना गया है। किसको चुना गया है? इंडिया और फ्रांस को। और जो बेटा ISA के जो डायरेक्टर जनरल है, जो क्या है बेटा, डायरेक्टर जनरल है, वो भारतीय ही है, जिनका नाम है बेटा डॉक्टर अजय माथुर। जिनका नाम क्या है बेटा? डॉक्टर अजय माथुर। चलो बेटा आगे चलते हैं। नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? बेटा जो नेशनल मैरिटाइम नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो आपका लोथल में बन रहा है बेटा, कातल में, लोथल। और जो बेटा लोथल है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं बेटा? हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं। ये यहाँ पे लोथल में जो है बेटा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड, यानी कि मैं बात करूं तो आपका बंदरगाह यहाँ पे मिलता है सबूत हड़प्पा सभ्यता में, क्लियर कि यहाँ पे था। तो ये जो बन रहा है बेटा नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो लोथल गुजरात में बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी हिस्ट्री को भी कनेक्ट करेगा मैरिटाइम फील्ड को लेके। तो ये आपका जो भी एक इंफॉर्मेशन देगा वो देगा ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री को भी कनेक्ट करेगा, यादों को ताजा करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल लॉन्च्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेटा पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिलती है, वैसे अभी तो आर्मड फोर्सेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेंशन मिलती है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसमें भी अग्निवीर आगे बेचारे जिनको लिए पेंशन नहीं है, जो 4 साल के बाद आएंगे छोड़ के। तो आर्मी नेवी एयर फोर्स में बेटा पेंशन है, बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब में पेंशन जो है बंद कर दी गई, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने कर्मचारियों के लिए भी पेंशन को जो है दोबारा स्टार्ट करने की, लाइक राजस्थान गवर्नमेंट जो है बात कर रहे हैं, हालांकि इट्स अ वोट बैंक पॉलिसी। तो लेकिन एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करें तो ये होना चाहिए, क्योंकि एमपी एमएलए को भी तो पेंशन मिलती है भाई, अगर एमपी एमएलए को पेंशन मिल सकती है तो एक आपका गवर्नमेंट सर्वेंट को क्यों नहीं मिल सकती जो 60 साल तक सर्व करके आता है? अगर 5 साल सर्व करके पेंशन मिल सकती है तो 60 साल तक सर्व करने के बाद भी पेंशन मिलनी चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल? तो
पेंसिलर से रिलेटेड जो भी आपका किसी को प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करने के लिए फैसिलिटी अवेल करने के लिए आपका एक पोर्टल लॉन्च किया है बेटा अभी हाल फिलहाल ने केंद्र सरकार ने, जिसका नाम है भविष्य है। जिसका नाम क्या बेटा? भविष्य है, डी फॉर डॉग। बात समझ आई? इसके बाद हम आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन हर्डलर टू ब्रेक 13 सेकेंड बैरियर। बेटा हर्डलर मतलब अगर आप बात करें जो बाधा दौड़ नहीं होती बेटा, जो क्या होती है बाधा दौड़ होती है जिसमें ऑब्स्टेकल लगाए जाते हैं रनिंग के लिए, क्लियर? तो ये पहले भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था, पहले 100 मीटर में था, ठीक है भाई। अब टाइम के हिसाब से ये जो है पहले 12 सेकंड समथिंग था, अब 13 पॉइंट समथिंग सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये जो है बाधा दौड़ में जो है वो ज्योति यारा जी, किसके नाम है बेटा? ज्योति यारा जी। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए ज्योति यारा जी जो एथलीट है, जो क्या बेटा? ज्योति यारा जी जो एथलीट है बेटा, ये आपका आंध्र प्रदेश से है। कौन से स्टेट से बेटा? आंध्र प्रदेश से है। बात समझ आई? तो इन्होंने भी जो है हाल फिलहाल में रिकॉर्ड तोड़ा, 13 पॉइंट समथिंग सेकंड में जो है आपका 110 मीटर जो है बाधा दौड़ करने का रिकॉर्ड बनाया है। हु इज द विनर ऑफ द मेन्स बैलेंडे अवार्ड, बैलेंडे और अवार्ड 2022, पुरुषों के बैलेंडी और पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? बेटा सबसे पहली बात तो ये जो अवार्ड है ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है। किसके लिए जाता है? फुटबॉल के लिए दिया जाता है। बात समझ आई? फुटबॉल आप समझते ही होंगे। तो अभी हाल फिलहाल में जो अर्जेंटीना की प्लेयर है, जो अर्जेंटीना है बेटा, अर्जेंटीना के जो प्लेयर है जिनका नाम है लियोन मेसी या लियोनल मेसी, ठीक है भाई, ये ए है बेटा, एल। इनको पछाड़कर जो कई सालों से लगातार इस अवार्ड को प्राप्त कर रहे थे, इनको पछाड़कर फ्रांस के जो फुटबॉलर है, किसके बेटा? फ्रांस के जो फुटबॉलर है करीम मुस्तफा बेंजेमा को जो है ये अवार्ड जो है पहली बार दिया गया है। और ये स्ट्राइकर है, ये क्या है? स्ट्राइकर है बेटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द फिफ्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बेटा अभी हमें एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले इंडिया और फ्रांस में, जिसका जिक्र था, प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट मिला है, प्रेसिडेंटशिप मिली है। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज बीइंग हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ विच कंट्री, उसकी जो अभी जो बैठक हुई है, सभा हुई है वो बेटा अभी जो है पांचवी सभा हुई है, वो कहां पर हुई है बेटा? ये जो पांचवी सभा हुई है ये इंडिया में हुई है, भारत में हुई है, और बेटा भारत में न्यू दिल्ली में हुई है। कहां पे हुई है बेटा? न्यू दिल्ली में हुई है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच कंट्री होस्टेड द 90th इंटरपोल जनरल असेंबली? बेटा हमने लिखा इंटरपोल। बेटा ये जो इंटरपोल है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज सिचुएटेड एट लियोन फ्रांस। एक तो बेटा जैसे इंडिया में क्राइम होता है, नेशनल लेवल पे कोई भी क्राइम होता है तो उसके लिए पुलिस होती है, स्टेट की पुलिस होती है अलग अलग स्टेट में, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपका कोई क्राइम होता है तो उसको लेके आपको जो एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम इंटरपोल है, जिसका हेडक्वार्टर आपका लियोन फ्रांस में है। इसके भी हाल फिलहाल में जो मीटिंग हुई है बेटा वो इंडिया में हुई है, और इंडिया में बेटा आपका न्यू दिल्ली में हुई है। कहाँ पे हुई है बेटा? न्यू दिल्ली में हुई है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? ध्यान से सुनना बेटा, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है बेटा, अभी जो हाल फिलहाल में बेटा रिपोर्ट आई है, ये वर्ल्ड के टोटल 121 कंट्रीज की आई है, वर्ल्ड में से 121 कंट्री की आई है बेटा। और 121 कंट्रीज में बेटा 121 कंट्रीज में जो
सबसे टॉप रैंक है वो बेलारूस की है। बेलारूस, बात समझे बेटा, बेलारूस की बेटा फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक होने का मतलब है बेटा कि वहां पर भुखमरी सबसे कम है। जितना ज्यादा रैंक होगा उसका मतलब उस कंट्री में भुखमरी सबसे उतनी ही ज्यादा होगी या बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो बेटा फर्स्ट है। जो लास्ट रैंक आई है बेटा 121, वो यमन की आई है। किस कंट्री की आई है बेटा? यमन की आई है। और इसके बीच में बेटा यहां पे अपना जो इंडिया है उसकी भी रैंक है। तो इंडिया की रैंक है बेटा 107। कौन सी है बेटा? 107। लेकिन दुख की बात यह है कि 2021 में इंडिया की जो रैंक आई थी वो बेटा 101 आई थी, और अब की बार जो है इंडिया जो है 6th प्लेस जो है स्लिप हो गया, डाउन चला गया। यानी कि हमारी जो स्थिति है वो आपका 101 से बढ़ के 6 प्लेस स्लिप होके, स्थिति खराब होके हम 107 पे चले गए। ठीक है भाई, जिसका हालांकि इस रिपोर्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपोज कर रही है कि ऐसा नहीं है, जैसी सिचुएशन जैसा डाटा इसमें पब्लिश किया गया है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा आपका श्रीलंका है बेटा, अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, श्रीलंका की रैंक बेटा इसमें 64 है। श्रीलंका की रैंक कितनी है बेटा? 64 है। और जो नेपाल है बेटा, नेपाल उसकी जो रैंक है यहाँ पे वो आपका 81 है। कितनी है? 81 है। और जो बांग्लादेश है इधर उसकी बेटा 84 है, और जो पप्पू है पाकिस्तान बेटा उसकी 99 है। बेटा श्रीलंका की 64, नेपाल की 81, बांग्लादेश की 84 और पाकिस्तान की 99 और इंडिया की 101। इंडिया की कितनी है? 101 तो बेटा 2021 में थी। तो बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस इसमें इंडिया की आई है बेटा। तो आई होप आप सबको ये बात समझ आई होगी। तो इसी के साथ हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द एनजी इन एनजीएलवी ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंड्स फॉर? बेटा एनजीएलवी का मतलब है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसरो एक आपका जो रॉकेट लॉन्च होते हैं उसके लिए एक आपका न्यू लॉन्च व्हीकल मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहा है। तो जिसमें जो है एनजी की जो फुल फॉर्म होगी वो न्यू जनरेशन होगा, और इट विल रिप्लेस पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो नया व्हीकल बनेगा एनजीएलवी वो पीएसएलवी को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह एनजीएलवी लेगा। तो आप सब लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अंडर द भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर एग्रीकल्चर एरिया ऑफ इंडिया? बेटा कहीं पे फ्लड है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे डिसीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बीमारी आ जाती है, कहीं पे आपका आजकल देखा होगा आपका पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी आपका स्प्रे करना पड़ता है, ड्रोन्स की भी ऐप लेनी पड़ती है, लैंड का जो एरिया है किस फसल के लिए कौन सी किस फसल कौन सी फसल का कवर्ड एरिया कितना है, कितने एरिया में कौन सी फसल उगाई जा रही है, फॉरेस्ट एरिया, तो सबका डाटा कलेक्शन के लिए हम लोग जो है इसरो जो है हेल्प करेगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को। इसरो हेल्प करेगा, इसरो इसको कमांड नहीं करेगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कमांड करेगी, इसरो हेल्प करेगा इसमें। तो आपका सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको पूरे को कवर करेगा इंडिया के। ठीक है बेटा, तो उसके लिए जब दो सैटेलाइट लॉन्च करने की बात करेगी, अगर हम टू सैटेलाइट जो एग्रीकल्चर को लेकर अगर आपका लॉन्च करें तो उसमें हमारा पूरा ज्योग्राफिकल एरिया जिसपे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है वो सारा का सारा आपका कंप्लीटली उसमें कवर हो जाएगा। आगे चले बेटा, नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एंटीडोट अगेंस्ट सरस कोविड-19? बेटा इंडिया का जो फर्स्ट आपका एंटीडोट बनाया गया है आपका वो आपका उसका नाम है वेन कोव 19। क्या नाम है? वेनकोव 19। ये जो वेनकोव 19 बेटा आपका जो डेवलप किया है, सबसे खास और मजे की बात ये है इसको जो डेवलप किया है जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जो क्या बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है 24 नंबर क्वेश्चन में, प्लस आपका सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद प्लस सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर, CULAR बेटा, मोलिकुलर, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोलॉजी बेटा,
बायोलॉजी। और ये दोनों ही बेटा जो है आपका हैदराबाद में है। ये कहां पे बेटा? दोनों ही हैदराबाद में है। तो ये जो है आपका, इसने डेवलप किया है जो फर्स्ट एंटीडोट जो है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, विनकोव 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ द हेड्स ऑफ द एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग। ये कह रहे हैं कि किस शहर में जो एशियन कोस्ट गार्ड है उसकी बैठक जो है हाल फिलहाल में हुई है। एशिया में जो ऐसी कंट्रीज है बेटा जिनमें कोस्ट है, तट है, ठीक है, तो कोस्ट गार्ड होती है, जैसे हमारी आर्मर्ड फोर्सेज है, आर्मी नेवी एयर फोर्स, जैसे हमारी नेवी है, तो वैसी कोस्ट गार्ड भी होती है बेटा। कोस्ट गार्ड जो आपका कोस्टल जो रीजन होता है उसकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए होती है, क्लियर। तो उसकी बैठक हुई है एशियन कंट्रीज की, किस जगह पर हुई है ये पूछा जा रहा है बेटा। ये हाल फिलहाल में भी जो हमारे राजनाथ सिंह है, जो कौन है बेटा? राजनाथ सिंह, जो हमारे बेटा डिफेंस मिनिस्टर है, वो कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है। उन्होंने जो है उसको आपका अटेंड किया और एड्रेस किया। तो ये जो है आपका न्यू दिल्ली में हुई है। कहां पर हुई है बेटा? न्यू दिल्ली में हुई है हाल फिलहाल में। विच कंट्री स्कोर लीस्ट एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2022 बेटा? अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट रैंक मैंने बताया था बेलारूस का था, लीस्ट में किसका था? बेलारूस का था, लेकिन यहां पे तो यमन का तो सबसे वर्स्ट था, तो यहां पे जो आंसर जाएगा वो बोस्निया जाएगा। कौन जाएगा? बोस्निया। सेकंड नंबर पे ये था, बोस्निया की सेकंड रैंक थी, पहले नंबर पे बेलारूस था। तो इन सब में जो यहां पे दिए गए, इनमें सबसे जो अच्छी रैंक थी, सेकंड रैंक थी, वो बोस्निया की थी। यमन की सबसे लास्ट थी 121। आगे भाई, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना विच वॉज लॉन्च रिसेंटली रिलेटेड टू विच यूनियन मिनिस्ट्री। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। बेटा भारत में अलग अलग कंपनियां जो है उर्वरक बनाती है, और इंडिया में उर्वरक फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात करूँ, खासकर यूरिया की बात करूँ, नाइट्रोजन जिसमें होता है, उसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज इंडिया में होने लग गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो उसके रेशियो में हमें फूड प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर। तो अभी हाल फिलहाल में एक देश एक उर्वरक, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम जो है लॉन्च की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने लॉन्च की है भाई? मोदी जी ने जो है वन कंट्री वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना जो है, परियोजना जो है शुरू की है। तो ये जो परियोजना है, इसमें जो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग कंपनीज जो आपका यूरिया बनाएगी, फर्टिलाइजर्स बनाएगी, उसमें एक ही बैग होगा, सबका जो बैग होगा, थैला होगा, कवर होगा, कट्टा होगा, कट्टा बोल देते हैं हमारे यहाँ बेटा, वो जो है आपका मुजफ्फरनगर में यूपी में, वो जो कट्टा होगा, बैग होगा, थैला होगा, वो उस पर जो ब्रांड नेम होगा वो होगा भारत बैग या भारत फर्टिलाइजर। तो भारत ब्रांड के नाम से जो है यूरिया बनेगा, फर्टिलाइजर्स बनेंगे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, क्लियर। और सेकंड अक्टूबर को आई थिंक ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ये जो है किस मंत्रालय के अंदर काम होगा? ये होगा बेटा आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर ये जो है काम होगा, क्लियर। और इस मिनिस्ट्री पे जो मंत्री है बेटा वो मनसुख मंडाविया है। वो कौन है? मनसुख मंडाविया जो है इस पे मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पे। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स? बेटा लास्ट जो इसमें डाटा आया था उसमें, ये जो डाटा है तो अभी हाल फिलहाल का है, अभी जो रिलीज हुआ है, इससे लास्ट जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया की जो रैंक थी, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, इंडिया की जो रैंक थी वो आपका 49 थी। वो कितनी थी? 49। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की जो रैंक है वो आपका 51 है। कितनी है? 51 है। तो दो स्थान जो है, जो प्लेस जो है, हम लोग इस पे ऊपर आए हैं। तो 49 थी 2021 में और ये है 2022 में। आई होप सबको क्लियर होगा। एक्चुअली इंटरनेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो अच्छी सुधरी है, प्लस जो शटडाउन होता था ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस, शटडाउन होने की जो आपका सिचुएशंस है वो काफ़ी सुधरी है। ऐसी सिचुएशन बहुत कम हो रही हैं अभी, फ्रीक्वेंसी उनकी।
तो इस वजह से इंडिया की रैंक जो इसमें दो प्लेस सुधरी है। प्लस जो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फ्रीडम हाउस, ये जो रिपोर्ट आती है जो यूएसए है, अमेरिका का जो फ्रीडम हाउस एक आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है बेटा। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इंटरनेशनल डे ऑफ पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 पे हम बात करते बेटा, तो यहां पे सबसे पहली बात तो अगर मैं इंटरनेशनल डे ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात करूं, इंटरनेशनल डे ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने जो है 17 अक्टूबर को बेटा, कब को, 17 अक्टूबर को 1992 में जो है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है डिक्लेयर किया था। तो उस दिन को हम इस रूप में मनाते चले आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में। तो इस बार का जो ये दिवस था, इसका जो थीम था वो था बेटा डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, व्यवहार में सभी के लिए सम्मान होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गावती टाइगर रिजर्व विच वॉज नोटिफाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, दुर्गावती जी है ये एक बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थी, वीरांगना दुर्गावती जी अगर मैं बोलूं तो बहुत अच्छा होगा उनके सम्मान में। और अगर आप लोगों को याद होगा, जो नौजवान सभा थी, नौजवान सभा एक क्रांतिकारी संस्था थी भगत सिंह वगैरह जिसमें हुआ करते थे, और आपका HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जिसका नाम चेंज करके ये हो गया था, वो जो क्रांतिकारी संस्था थी बासाजाई, उसमें इन्होंने सर्व किया है दुर्गावती जी ने। क्लियर। तो इनको इतिहास में प्यार से दुर्गावती भाभी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो इन्होंने जो है भगत सिंह वगैरह की भी हेल्प की थी क्रांतिकारी गतिविधियों में। तो ये जो है जो टाइगर रिजर्व है, एक्चुअली जो MP है मध्य प्रदेश में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो वहां पे क्या है आपका जो केन बेतवा रिवर, उनका लिंक होने की वजह से, बीच में आने की वजह से उसी को बेफुरकेट किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर जो एक नया टाइगर रिजर्व जो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से जो है बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और ये MP में जो बेटा आपका दमोह पड़ता है, दमोह DAMOH वहां पर जो है ये बनाया जा रहा है। तो इसी के साथ आज के जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं, और आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन सब पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। जय हिंद, जय भारत। काइंडली सब्सक्राइब D-Day YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।